जाहिर सी बात है। तो और सुपर सुपर मतलब कि जो ट्रेलर में जो एक्सपेक्ट किया था उससे काफ़ी बेटर मूवी निकली। उन्होंने जो परफॉर्मेंस किया यार माइंड ब्लोइंग। मैं तो उनको बोलूँगा कि यार क्या मूवी है, उनके करियर के बेहतरीन परफॉर्मेंस थी ये मूवी। इमोशनल सीन्स जो कि लास्ट का क्लाइमेक्स का सीन्स काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि उनके जो ससुर होते हैं विजय राज जो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि मेरी बहू एक कॉन्डोम सेल्स है, मगर उन जब उनको काफ़ी अच्छी है डायरेक्शन मूवी का सुपर है। बस सॉन्ग्स ठीक है, जनित मजारी जो टाइटल सॉन्ग है वो काफ़ी अच्छी है, तो ऑडियंस को ये मूवी देखनी चाहिए, एक अच्छा सोशल मैसेज है मूवी में। 3.5 दूंगा मूवी। मुझे जो इसमें जानकारी दी गई है हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा ही प्रोटेक्शन वाली, बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी, 5 स्टार 5 स्टार। मैसेज देना है जी जी। हाँ जो लव सॉन्ग स्टार्ट हुआ था वो बहुत अच्छा लगा, बहुत 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 5 स्टार जी जी जी। ऐसी मूवी आई है इंडिया में, बहुत अच्छे लगे सबके, अच्छे सारे करेक्टर एस्टेब्लिश लगे मुझे। आप मानते हैं कि बेस्ट पार्ट क्या लगा इस फिल्म में आपको, कि ये सबसे बेस्ट था? नहीं सबसे बेस्ट पार्ट मेरे को वो मतलब क्या कोई सीन बता रहे हैं या जो आपको लगा कि दोबारा देखने आएंगे आप? दोबारा कि सर मैसेज के साथ साथ जो फन क्रिएट किया है ना वो इस फिल्म का सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगा, मतलब उसका जो मैं पूरी क्रिएटिव टीम को मतलब हाँ फुल्ली पैसा वसूल। सर बहुत दिन के बाद ऐसी मूवी मेरे को देखने की, 100 110 था जी जी जी। कितने स्टार देंगे? 5 में 5 सर, इससे बड़ी कम क्या दूँ। थैंक यू। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आई थिंक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज है हमारी सोसाइटी में, जो यू नो कॉन्डम्स को लेके जो सोशल टैबू है, एक स्टिग्मा है और एक शर्म है लोगों में कि यू नो इंडियंस आर सो ट्रेडिशनल, तो उनको लगता है कि इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और बहुत सारी बीमारियाँ हो रही है एड्स जैसी या अबॉर्शन, ये मूवी में एक डायलॉग है कि अबॉर्शन के ऊपर हम हज़ारों खर्चा करते हैं लेकिन 10-20 रुपये कॉन्डम पर नहीं हम खर्च करते, तो बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग, रियलिस्टिक, रिलेटेबल, सटल पोर्ट्रेल है कॉमेडी के रूप में, जैसे शुभ मंगल सावधान हो या पैडमैन हो या टॉयलेट एक प्रेम कथा, तो इतना स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज वो भी कॉमेडी में, तो आप कहीं भी बोर नहीं होंगे, बांध के रखेगी आपको एंड तक और बहुत मज़ा आएगा आपको। नुसरत भरूचा अभी तक बहुत मतलब बहुत ही ग्लैमरस टाइप के रोल्स करती थी, तो सोनू की टीटू की स्वीति हो या प्यार का पंचनामा हो, बट ये मूवी से उन्होंने एक बहुत ही संजीदा किरदार निभाया, बहुत ही इंटेंस रोल है उनका, और जिस तरह से वो क्रुसेडर बनी है मतलब एक तरह से मतलब इसका प्रचार प्रसार जिस तरह उन्होंने किया है, और बहुत ही ऐसे आजकल इन मुद्दों के ऊपर बहुत सारी मूवीज आ रही हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंट है। जय बसंतू सिंह का डायरेक्शन बहुत अच्छा है, सिर्फ मुझे एक ही खामी लगी कि अगर 10-15 मिनट एडिट हो जाती तो जयंत वर्मा के साथ जय बसंतू सिंह दोनों ने एडिटिंग की है, बाकी प्रोडक्शन डिज़ाइन बहुत अच्छा है। डायरेक्शन अच्छा है, 10-15 मिनट अगर क्लिप कर देते क्यों मतलब तो अच्छा था, बट ओवरऑल बांध के रखती है। म्यूज़िक भी बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं जैसे साधु प्रीनी, अमोल अभिषेक, तो एक ब्रिज वाला गाना है होली वाला, वो वाला मुझे अच्छा लगा, बाकी मुझे प्रोडक्शन डिज़ाइन बहुत पसंद आया, बहुत ही रियलिस्टिक यू नो, तो वो भास्कर गुप्ता जो इसके प्रोडक्शन डिज़ाइनर हैं या चिरंतन दास जिनकी सिनेमेटोग्राफी है वो भी बहुत ही अच्छे से मतलब बिल्कुल बिल्कुल, और उससे ज़्यादा एंटरटेनिंग से ज़्यादा जो मैसेज है जो सोशल स्टिग्मा जैसे मैंने कहा कि वो इस तरह की मूवीज़ बननी चाहिए। वन टाइम वॉच टू डेफिनेटली है, दोबारा भी देखी जा सकती है, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बहुत अच्छी मूवी है। 3.5 थैंक यू।
सर जनहित में जा रही मूवी मुझे पार्टिकुलर व्यक्तिगत राय मेरा है बहुत अच्छा लगा मुझे, हाँ बहुत अच्छी लगी, हाँ उसने काफ़ी अच्छा, हाँ काफी, हाँ साड़ी में मुझे काफ़ी अच्छी लगी और उनका अभिनय मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और एक महिला सशक्तिकरण वोमेन एम्पावरमेंट एक्चुअली देखिए अगर पहनावा बात कीजिए तो देखिए भारतीय संस्कृति सभ्यता के अनुसार मुझे साड़ी पे ज़्यादा अच्छी लगी। फर्स्ट पीरियड में स्कूलों की साड़ी पे अच्छा लगा, मतलब एक सती सावित्री की बात है। और दूसरी बात कंडोम बेचना मुझे बुरा नहीं, देखिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छा उसने एक्टिंग की है, कला मानना पड़ेगा। जो भी वो लड़का क्या है अनु क्या नाम है उसका जो अपोजिट में है उसने भी काफ़ी अच्छा एक्टिंग किया है। आज घर पे बस ये मूवी से हमें एक सीख मिली है। वाकई में देखिए एबॉर्शन लड़का लड़की जब एक दूसरे से संबंध बनाता है शादी से पहले, ऐसे शादी से पहले इंडिया में गैर कानूनी है, इलीगल है, लेकिन अगर बनाता है तो आप प्रिकॉशन यूज कीजिए, गलत है। एबॉर्शन करा देना गलत है, लड़कियों की क्या पीड़ा होता है, काश आप लड़की होते, लड़का लोग फीलिंग करे बच्चे गिरा देने के बाद, ऐसे तो भ्रूण हत्या बिल्कुल ये अभी अभी साफ है। इस फिल्म में को गाना गाना से एक गाना मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं होली के समय हुआ था वो अच्छा लगा। हाँ इसका डायरेक्शन बहुत अच्छा लगा। अगला नेक्स्ट क्या होगा, जो विजय जी हैं जो बाप है वो एक्टर के जो मुख्य किरदार के जो निर्वाण उनके जो बाप हैं वो काफ़ी अच्छा रोल किए हैं। और हमारे टीनू आनंद साहब भी, मैं तो 5 में तो 5 देना चाहूँगा। हाँ मुझे बहुत अच्छी लगी। कट टू कट। देखिए जनहित में जारी फिल्म मैं बहुत उम्मीद से लेके गया था, मैं खुद यूपी से बिलोंग करता हूँ और हर फिल्म जो चंदेरी में या बरेली में शूट कर ली जाती है वो बरेली की बर्फी नहीं बनेगी। फिल्म बकवास है, बकवास है, क्योंकि इस स्क्रिप्ट में कॉमेडी करने की कोशिश की गई है, कॉमेडी नहीं होती। नसरत बरूचा जी बहुत मेहनत कर रही हैं लेकिन स्क्रिप्ट नहीं देंगे तो कोई एक्टर जादू नहीं कर सकता। विजय राज जी हैं, टीकू सल्धानिया जी हैं, कोई कर नहीं पा रहे क्योंकि स्क्रिप्ट वीक है। जो 100 रुपये का टिकट बेच रहे हैं भाई, ऑफ कर लो यार मोबाइल, जो 100 रुपये का टिकट बेच रहे हैं अगर वो पैसा ये स्क्रीन प्ले या स्टोरी राइटर को दे देते तो बेटर हो सकता था, पब्लिक आ जाती। विजय राज जी सुपर एक्टर हैं, गुरु मानता हूँ उनको अपना, लेकिन विजय राज जी को वेस्ट किया गया है। यहाँ पे एक्टर्स में सिर्फ 3 लोगों का नाम लूँगा, एक तो है जो उनके मदर बने हैं, मैंने नाम लिखा था मैं भूल गया, एक उनके मदर बने हैं नुसरत जी के, उनके डैडी जो बने हैं अंगद सैंथल उनका नाम है, और तीसरा जो है जो देवी बने हैं, जो उनका करेक्टर को और डिस्प्ले कर सकते थे, खेत से मतलब थोड़ा उसे निकाल सकते थे। ऑफकोर्स आप मत जाइए, 110 रुपये अपने घर में रखिए, कोई अच्छी किताब मैगजीन खरीदिए पढ़िए। आप एक काम कर सकते हैं, आप इसमें जो एक गाना है पर्दादारी उसका ऑडियो सुनिए, उसके वो एक फाइंड है, वो बहुत ही अर्थी फील का गाना है, जावेद अली जी और धोनी भानुशाली जी ने गाया है, बहुत अच्छा गाना है वो। देखिए कॉन्डम बेचते हुए मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगता, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ, CONDOM 6 लाइन है। अच्छा ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कॉन्डम बेचते हुए वो इसलिए अच्छे नहीं लगते बिकॉज आप अपने उसमें खुद भी पूछा है, वो जज से कहते हैं कि ये कॉन्डम बेचते हैं इसलिए हम डिवोर्स लेने जा रहे हैं, तो वो जज से कहते हैं, उनके जो ससुर हैं वो कहते हैं, विजय राज जी कहते हैं कि आपकी बेटी कॉन्डम बेचेगी तो आपको अच्छा लगेगा, तो वो भी खांसने लग गया, इसका आंसर नहीं दे रही है फिल्म। तो वहाँ पे वो चीज़ है कि आपको क्लियर करना पड़ेगा कि हम क्या चाहते हैं अपने नेक्स्ट जनरेशन में, कि बेटियाँ प्री मैरिटल सेक्स ना करें या बेटियाँ कॉन्डम यूज़ करें और फ्रीली बात करें अपने डैड से कि यार मैंने कॉन्डम यूज़ कर लिया। वो मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे, आप एज ए रिपोर्टर बताइए आपको क्या चीज़ बेटर लग रही है। हमारी पापा के मम्मी के जनरेशन ने हमें कुछ सिखाया, कुछ वैल्यूज़ दी, इस मामले में मैं उन्हें बहुत रिस्पेक्टेड मानता हूँ। अब आप उन्हें अगर ये वैल्यू देना चाहते हैं नेक्स्ट जनरेशन को कि बेटा मेरा फ्रीली बात करना, मुझे बोलना पापा मेरा कॉन्डम देना जरा, तो अगर आप ये चाहते हैं वो हम पे डिपेंड है, हमारी हम लोग क्या कर रहे हैं या हमारे पापा मम्मी ने हमें क्या वैल्यूज दिया उस पर हम डिपेंड कर रहे हैं। आप क्यों इतना, आप एक रिपोर्टर हैं पर आप एक स्टैंड क्यों ले रहे हैं, आप न्यूट्रल रहिए ना। डायरेक्शन हर चीज़ वीक है, हर चीज़,
डायरेक्शन वीक है। मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे एक फाइन लगा गाना, मैं सोच रहा था कि गाने भी अच्छे नहीं है, होली का गाना वेस्ट किया। होली में तो कुछ भी गा दोगे आप, देखिए होली में आप कुछ भी गा दोगे इंडिया में, होली में हिट हो जाता है, लेकिन गाने में कोई कैची लाइन नहीं है, म्यूजिक नहीं है। होली का गाने में भी कर रहे हैं बेचारों ने इतनी मेहनत की, डायरेक्शन बिल्कुल बेकार है। एडिटिंग ठीक है, मतलब इम्प्रेसिव ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ एडिटिंग याद रह जाए। गाना मुझे बहुत पसंद आया, मैं सबको कह रहा हूँ कि आप वीकेंड में जरूर सुनिए। पर्दादारी उसमें जावेद अली जी ने गाया है और ध्वनि मानुषाली ने गाया, क्या सुपर सॉन्ग है यार, वो दिल को छुएगा आपके वो। लेकिन वो आप फिल्म में मत देखिए, घर में सुनिए। सारी दुनिया को पता है, मुझे तो नहीं पता था, मुझे यहाँ आके पता चला, फिर मैंने देखा टॉयलेट में जाके, जब इंटरवल हुआ तो मैंने देखा कि किसने गाया है यार, ये गाना बहुत ही सुपर गाना है। आप यार इतने बायस क्यों है यार? देखिए स्टार में एक या दो दूंगा मैक्स, चलिए 1.5 कर लीजिए, आप झगड़ के ले रहे हैं तो आधा पॉइंट ले जाइए।